हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज है 21 मई 2021 और आज इस डेट में स्टील सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी JSW स्टील का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार, मतलब एक्सीलेंट रिजल्ट आया है। चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे हमें कहीं गुना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम JSW स्टील का क्वार्टर फोर का रिजल्ट बारीकी से चर्चा करेंगे और आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है इसके अंदर, उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं JSW स्टील की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि JSW स्टील का रिजल्ट लेके आ जाऊंगा, तो लीजिए दोस्तों, वीडियो आ चुका है और रिजल्ट दोस्तों आउटस्टैंडिंग आया है। आप अगर JSW स्टील के शेयर होल्डर के लिए, तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे है। सबसे पहले ये करेंट क्वार्टर का रिजल्ट यानी मार्च 2021 का, ये लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 का रिजल्ट, और ये है लास्ट ईयर 2020 मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले थोड़ा सा पेज को यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। हाँ, आप सही है। तो सबसे पहले आता है हमारे लिस्ट में टोटल इनकम, और टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर्स इनकम को ऐड करके, जो कि इस क्वार्टर मार्च 2021 पे कंपनी का टोटल इनकम हुआ है 27,095 करोड़ रुपये, 27,095 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में हुआ था 22,006 करोड़ रुपये का। यानी देखा जाए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बहुत शानदार जंप देखने को मिला हमें, जहाँ पे 22,000 से हो चुका है 27,000, टोटल इनकम बढ़ चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी 2020 की मार्च क्वार्टर में, तो JSW स्टील का टोटल इनकम हुआ था 18,009 करोड़ रुपये। यानी ईयर ऑन ईयर पे दोस्तों हमें ह्यूज जंप देखने को मिला। दोस्तों, टोटल इनकम के अंदर इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला तो आप तो अंदाज़ा कर ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट कैसा आएगा। चलिए अब नीचे चल के देखते हैं कंपनी का यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का नंबर कितना आया है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी का खर्चा कितना हुआ। तो इस क्वार्टर में JSW स्टील का टोटल यहाँ पे एक्सपेंसेस का नंबर आया है 20,752 करोड़ रुपये, 20,752 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में आया था 18,120 करोड़ रुपये। यानी देखा जाए दोस्तों, कंपनी का टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और लास्ट ईयर 2020 की मार्च क्वार्टर में JSW स्टील का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया था 17,056 करोड़ रुपये। यानी ईयर ऑन ईयर पे दोस्तों टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ ठीक वैसे ही टोटल एक्सपेंसेस का नंबर बढ़ चुका है। हर एक सेगमेंट पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब चलिए नीचे चल के देखते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया। उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। तो दोस्तों, इस क्वार्टर में यहाँ पे JSW स्टील का नेट प्रॉफिट दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ आया है 4,191 करोड़ रुपये, 4,191 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में आया था 2,669 करोड़ रुपये। यानी आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कितना शानदार हमें जंप देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो दोस्तों कहीं गुना ज़्यादा, अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 2200% का जंप आया है, अनबिलीवेबल जंप आया है ईयर ऑन ईयर पे। जहाँ पे लास्ट ईयर पे मार्च क्वार्टर में जहाँ पे टोटल 188 करोड़ रुपये का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था, वही देखिए इस क्वार्टर में हो चुका है 4,191, यानी 22 से 23 गुना बढ़ चुका है नेट प्रॉफिट। अनबिलीवेबल रिजल्ट दोस्तों। और वैसे भी हम सभी को बताएं कि अभी मेटल सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है, ये रिजल्ट क्यों इतना अच्छा रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो चाइना से जो टैरिफ रेट है वो कम कर दिया गया है, उसके साथ साथ जो मेटल का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसके कारण हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। वे तो हमें टाटा स्टील के रिजल्ट में भी हमें देखने को मिला था रिकॉर्ड तो प्रॉफिट कमाया था। तो दोस्तों वैसे ही तो JSW स्टील का रिजल्ट भी दोस्तों एक्सीलेंट आया है,
तो एक्सीडेंट छोड़ के और कुछ वर्ड यहाँ पे मेरे पास है ही नहीं। तो दोस्तों चलिए हम नीचे चल के देखते हैं कंपनी का बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस कैसे चेंज हुआ। बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस, तो इस क्वार्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील का जो बेसिक ईपीएस है 17.45 का, डायलूटेड ईपीएस है 17.37 का, जो कि लास्ट क्वार्टर में बेसिक ईपीएस था 11.15 का एंड 11.09 का डायलूटेड ईपीएस। यानी यहाँ पे टोटल इनकम बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें हर एक सेगमेंट पे जंप देखने को मिला। ठीक वैसे ही दोस्तों लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ईयर टू ईयर, तो 0.96 का बेसिक था, 0.95 का डायलूटेड अर्निंग पर शेयर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर पे तो दोस्तों और भी ज़्यादा हमें जंप देखने को मिला, टोटल इनकम पे भी, नेट प्रॉफिट में भी और अर्निंग पर शेयर पे भी। तो दोस्तों रिजल्ट तो एक्सीलेंट आया है, बट अनफॉर्चुनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड का डिक्लेयर नहीं किया। चलिए अब हम देखेंगे आज की डेट में जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर कैसा हमें मूवमेंट देखने को मिला और उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर। आज की डेट पर अगर बात करें तो करीबन ऑलमोस्ट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया, 700 रुपये से थोड़ा नीचे 697 रुपये पे। और लास्ट कुछ दिन से अगर हम बात करें 5 दिन का, तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिला, क्योंकि जो चाइना का जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से डिसाइड किया है जो मेटल का प्राइस बढ़ रहा है उसका कॉस्ट थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो इसके कारण हमें हर एक, सिर्फ जेएसडब्ल्यू के अंदर नहीं, टाटा स्टील बोलिए, सेल बोलिए, इंडेलको बोलिए, कोई भी स्टॉक के अंदर हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें दोस्तों मेटल सेक्टर, दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर होता है, क्योंकि हमेशा ये जो ट्रेड वायर वगैरह चलता है इंडिया चाइना, यूएस चाइना, ये सब सारे ट्रेड वायर में सबसे ज़्यादा पिटने वाला सेक्टर होता है मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा टैरिफ का ऊपर नीचे होता है। तो इसके कारण मेटल सेक्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर मेरा हमेशा रहेगा कि अगर आपको मेटल सेक्टर में निवेश करना है तो आपको लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेएसडब्ल्यू स्टील। क्योंकि अगर आप टाटा स्टील का भी लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न ऐसा है, बहुत ऐसे वॉलेटाइल। बट जेएसडब्ल्यू का देखिए चार्ट पैटर्न वॉलेटाइल जरूर है, बट उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है जितना सेल या टाटा स्टील या हिंडाल्को का है। तो मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, और शेयर का रिटर्न का प्रोफाइल भी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप स्टील सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। बात करेंगे आज की डेट में कैसा कारोबार हुआ, तो शेयर प्राइस ओपन हुआ था 700 रुपये के ऊपर ही आज की डेट पे, उसके बाद 705 रुपये 90 पैसे पे हाई टच किया एंड लो लगाया 795 रुपये, यानी बहुत ज़्यादा आज ऊपर नीचे नहीं गया, एक शॉर्ट रेंज के अंदर ही ट्रेड किया। अच्छी बात यह है कि देखिए मार्केट बंद होगा उसके बाद भी 23,500 के ऊपर क्वांटिटी ए एम ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड में। आज की डेट पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 3 बजे के अपडेट के हिसाब से 64 लाख, ऑलमोस्ट 65 लाख के आसपास शेयर उनमें डिलीवरी उठा जा चुका है, 11.5 लाख के आसपास शेयर। डिलीवरेबल परसेंटेज नॉर्मल है, ठीक ठाक है, 17% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा, ये रिजल्ट के इफेक्ट हमें जब मंडे के दिन बाजार ओपन होगा तभी हमें पता चल जाएगा। अब देखना यह है कि इसका इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट इतना शानदार जो आया है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।